PP 168 का जमनी मार्का, इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी, पोलिंग अमले की ड्यूटियां लगा दी गई। 83 पोलिंग स्टेशन पर 443 पोलिंग एजेंट्स ड्यूटी देंगे। तहरीक इंसाफ के मलिक असद खोखर, नून लीग के राणा खालिद कादरी समेत 11 उम्मीदवार मद मुकाबल। PTI के खिलाफ दो बड़ी जमातें मुतहद, जियालो ने लीगी उम्मीदवार राणा खालिद कादरी की हमायत का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ साबित ना हुआ। पेशावर में 75 अरब लगाकर भी मेट्रो ना चल सकी, खंडर बना दिया गया। डॉलर में रिकॉर्ड इजाफा, महंगाई बेकाबू, गैस की कीमत में 350% इजाफा। मिस्टर क्लीन अपनी बहन अलीमा खान के असासों का भी हिसाब दें। तकड़ी तोलनी है तो पूरी तोलो, झूठ बोलने से कौम का पेट नहीं भरता। हमजा शहबाज का गजमता में कारकुनों से खिताब, कहा PP 168 में हमारा मुकाबला वोट चोरी करने वालों से है। PP 168 का ज़िमनी इलेक्शन, PTI के उम्मीदवार असद खोखर भी मुतहरिक। एक और सीट जीतकर कप्तान की झोली में ढालने का अज़्म। हल्के में असद खोखर के अलावा 11 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। मलिक असद खोखर कहते हैं, आवाम की खिदमत ही हमारा मिशन है। कौन इन कौन आउट, मुंतखब खिलाड़ियों के दिल की धड़कने तेज। वज़ीर आज़म ने वफाकी और सूबाई वज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक अहम इजलास कल इस्लामाबाद में बुला लिया। खराब कारकर्दगी पर कई वज़रा से कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। प्रोडक्शन ऑर्डर जारी, शहबाज शरीफ कल इस्लामाबाद जाएंगे, कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से PIA के परवास 652 से इस्लामाबाद ले जाया जाएगा। एक DSP और 4 अहलकारों की हिरासत में होंगे। शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में रहायश गाह को सब जेल करार देने की सिफारिश, महकमा दाखिला पंजाब का सेक्रेटरी दाखिला को खत। शहबाज शरीफ की जमानत के लिए नून लीग मुतहरिक, सुलह मशवरे। वकला का पैनल हमजा शहबाज से मुशावरत के बाद अदालत से रजू करेगा। शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल में तीसरा रोज है। चने, डबल रोटी और चाय से नाश्ता किया, अखबार पढ़ने की सहूलत भी मुयस्सर। नैब ने शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद, अहद चीमा, राजा कमरुल इस्लाम, हाफिज नोमान, मुजाहिद कामरान और दीगर अहम शख्सियात को गिरफ्तार किया। 4,140 मिलियन रिकवर किए। मुख्तलिफ स्कैंडल्स में 404 अफराद को गिरफ्तार किया। नैब की 2017 से अब तक की कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी। 70 साल से अशराफिया और अवाम का अलग अलग पाकिस्तान है, दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा लगाया। 100 रोज इसी नारे के लिए कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मिड टर्म इंतखाबात का इंतजाम नहीं दिया। कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो सूबाई और वफाकी वज़रा तब्दील हो सकते हैं। सेनेटर वलीद इकबाल की PP 152 के टिकट होल्डर हाजी अरशाद के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत। हनीमून के दिन गुजर गए, हुकूमत अब कुछ करके दिखाए। हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई की। वज़रा की आपस में लड़ाई, एक दूसरे के खिलाफ बयानात। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तकरीब से खिताब। हकीकी जमहूरियत में ही वजीरों से सवाल होते हैं। हमसे पहले किसी हुकूमत ने अपनी 100 रोज़ा कारकर्दगी पेश नहीं की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की लाहौर ओपन पोलो कप 2018 की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वजारत में तब्दीलियों की बातें सिर्फ मीडिया तक महदूद हैं। हमने 5 साल हुकूमत करनी है, अभी हमें वक्त दिया जाए। गवर्नर पंजाब से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वक्त की भी मुलाकात। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराने का मामला, हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी दो हिस्सों में तकसीम। पंजाब हुकूमत की 3 अजलास बेनतीजा खत्म, चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कानून की मुखालफत। वज़ीरे आला महमूदुर रशीद और मुराद रास दीवारें गिराने के हक में, दीवारें मिसमार करनी है या नहीं, फयाजुल हसन चौहान लाइल्म निकले। उधर नामालूम वजूहत की बिना पर गवर्नर हाउस के दरवाजे दोपहर 2 बजे ही आवाम के लिए बंद। इंतजामिया ने सैर को आने वाली फैमिलीज को गवर्नर हाउस से बाहर निकाल दिया।
महंगाई ने सफेदपोशी का भरम भी तोड़ दिया। लंडा बाजार में स्वेटर, जर्सियां, गर्म कपड़े, जैकेट्स और जूते महंगे। लंडे के नर्ख बढ़ने पर शहरी फट पड़े। तब्दीली नहीं, ये तो बर्बादी। हमारे साथ इमरान खान ने धोखा किया। मकान तोड़े जा रहे हैं, टैक्स पर टैक्स लग रहा है, शहरियों की दुहाई। कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं, डबल हो गई हैं। जो पहले 100 का था, अब 200 का हो गया है। तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है। इमरान खान साहब ने धोखा किया हमारे साथ। 100 वाली चीज 200 की है, 200 वाली चीज 1000 रुपए की है। गरीब बंदा कहाँ जाए, मुझे ये बताए। ये इसलिए खान साहब ने तो कहा था तब्दीली लाएंगे, तब्दीली नहीं, ये तो बर्बादी है गरीब बंदे की। टैक्स पे टैक्स लगा रही है हुकूमत, हमें कह रही मकान देंगे, हमारे तो मकान तोड़े जा रहे हैं भाई। रिजक दे रही है, रिजक छीन रहे हैं हमारे से। इस तब्दीली से हम बहुत अक गए भाई। गैर मयारी अचार और मुरब्बा फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन। लाहौर रीजन में 56 यूनिट्स की चेकिंग। गैर मयारी अचार तल्फ, अचार की तैयारी में गले सड़े, फफूंदी लगे फल और सब्जियां इस्तेमाल किए जा रहे थे। डीजी फूड अथॉरिटी। मसीही बरादरी के लिए अच्छी खबर। शहर में 5 बड़े क्रिसमस बाजार लगाए जाएंगे, तैयारियां भी मुकम्मल। बाजार 22 दिसंबर को फाल होंगे। योहानाबाद, बहार कॉलोनी, एम्प्रेस रोड, कैंट और अजीज भट्टी जोन में बाजार लगेगा। अशिया खुरानोश पर सब्सिडी मिलेगी। पंजाब हुकूमत का शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करार देने के लिए कानून साजी करने का ऐलान। हुकूमत जल्द बिल असेंबली में लाएगी। थैलेसीमिया टेस्ट लैब हर जिला में कायम करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ऐवान-ए-वज़ीर-ए-आला में थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के एजाज में तकरीब। वज़ीर-ए-आला पंजाब बच्चों में घुल मिल गए, बच्चों से हाथ मिलाया, गपशप की। वज़ीर-ए-आला सरदार उस्मान बज़दार से बलूचिस्तान के तलबा के वफ्द ने भी मुलाकात की। तीन साल की कारकर्दगी जीरो, नाम लेने और बदलने के लिए सोच विचार शुरू। अरबों रुपए से बनाई गई डॉल्फिन फोर्स का नाम तब्दील करने पर गौर। फोर्स का नाम जानवर के नाम पर है, जो दुरुस्त नहीं। अहम इजलास में तजवीज। कराची के बाद लाहौर में भी बत्ताखोर सर उठाने लगे हैं। लारी अड्डा के करीब 15 लाख रुपए भत्ता ना देने पर मुलजिमान ने ताजिर पर फायरिंग कर दी। करीब खड़े लोग भी कुछ न कर सके। इकबाल टाउन नरगिस ब्लॉक में दिन दहाड़े डकैती की वारदात। डाकू शहरी असलम के घर से 6 तोले सोना, 40,000 की नकदी और कीमती मोबाइल फोन ले उड़े। लाहौर न्यूज ने वारदात के सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। शहरी असलम ने इल्जाम लगाया कि पुलिस वारदात के इतला के बावजूद 2 घंटे ताखिर से पहुंची। सेवन अप फाटक मरम्मती कामों के लिए 3 रोज के लिए बंद। ट्रैफिक के रवाने शदीद मुतासिर। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें। कराची से आने वाली ट्रेनें ताखीर का शिकार। शहरी अजियत का शिकार। कंस्ट्रक्शन कंपनियों के गिर्द भी घेरा तंग। कितनी कंपनियां काम कर रही हैं, कितनी रजिस्टर्ड हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी सर्वे करेगी। गैर रजिस्टर्ड कंपनीज को रजिस्टर्ड किया जाएगा। सड़कों और फुटपाथों को कुशादा करने के लिए नई पॉलिसी। शालीमार में तजावुजात ना हटाने पर 76 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज। 4 ट्रक सामान कब्जे में। महंगे दामों LPG फरोख्त करने पर भी 3 बड़े प्लांट सील। 78 अफराद गिरफ्तार, मुकदमात दर्ज। थैलेसीमिया के मरीज मुआशरे के मुफीद शहरी बन रहे हैं। पंजाब में थैलेसीमिया से बचाव का बड़ा प्रोग्राम कामयाबी से चल रहा है। थैलेसीमिया का टेस्ट के हवाले से बिल जल्द ला रहे हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का रेस्क्यू हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में 700 रेस्क्यू वर्कर्स की पासिंग आउट परेड। एहलकारों ने अमली सलाहियतों का मुजाहरा किया। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजुरान के बानी हाजी मकसूद भट्ट की 8वीं बरसी पर महफिल मिलाद और कुरान खानी का अहतमाम। सदर अंजुमन ताजुरान पाकिस्तान खालिद परवेज, सदर लाहौर चैम्बर अलमास हैदर, साबिक
सुबाई बुजरा, मियां अंजुम निसार, मियां नुमान कबीर, चेयरमैन आम आवाम पार्टी सुहेल ज़ाबट, बिलाल यासीन, ख्वाजा अकील अलमारूफ, गोगी भट्ट समेत दीगर की शिरकत। सिख यात्रियों के बाद हिंदू यात्रियों की लाहौर आमद, मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए 80 हिंदू यात्री वाघा के रास्ते लाहौर पहुंचे। मतलूका वक्फ इमलाक बोर्ड के अफसरान ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शहरियों ने छुट्टी का मजा दोबारा करने के लिए जलानी पार्क का रुख किया। बच्चों और बड़ों ने खूब इंजॉय भी किया। फैमिलीज ने पार्क में ही दस्तरखान सजाए और घर के पके खानों से लुत्फ उठाया। एक्सपो सेंटर में डॉग शो का आखिरी रोज, 20 से ज्यादा अकसाम के कुत्तों के दरमियान मुकाबला। जर्मन शेफर्ड कुत्तों की मालिक के साथ कैटवॉक, डॉग शो देखने वालों की बड़ी तादाद उमड़ आई। अलहमरा कल्चरल सेंटर में सजा रिंग ऑफ पाकिस्तान का मेला। रेसलिंग लीग में खातीन समेत इंटरनेशनल पहलवानों के दरमियान जोर आजमाई। शरका भी दाव पेज पर इंटरनेशनल पहलवानों को दाद देते रहे। दिलरुबा अदाएं, दिलकश पहनावे, तीखे अंदाज। प्लेटिस होटल में ब्राइडल कार्टूर फैशन वीक का आखिरी रोज, हसीनाओं ने हुस्न के जलवे दिखाकर मेला लूट लिया।